हे गाइस हाय एवरीबॉडी हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी गुड इवनिंग कैसे हैं भाई सब लोग बढ़िया गुड इवनिंग एवरीबॉडी गुड इवनिंग गुड इवनिंग कैसे हो भाई तुम सब लोग लेट मी जस्ट सी यू हियर एज वेल गुड इवनिंग मासूम शर्मा मासूम शर्मा ये ये कैसा नाम है मासूम शर्मा ओके okay. जेब्रान दर्शिल, अंकिता गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग हुसने अंसारी हिमांशी गुड इवनिंग ऑल कैसे हो भाई तुम सब लोग बढ़िया <laughs> वो बहुत मासूम है सच एनीवेज, या सो so, कैसे अभी थे देखें जरा कौन कौन आ गया है लेट अस जस्ट सी हु ऑल आर हियर कौन कौन है यहाँ पे लेट अस जस्ट सी एंड वी हैव इसको देखते हैं रुको एक मिनट हम्म देखिए जरा कौन 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 आया है यहाँ पे यहाँ यहाँ पे यहाँ इस पोर्शन में अच्छा दिखता है एक्चुअली गुड इवनिंग एवरीबॉडी गुड इवनिंग जानवी और और कौन कौन आया है गुड इवनिंग मैम यू आर द बेस्ट टीचर इन दिस वर्ल्ड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सीट गुप्ता एंड हेलो हैलो अंसारी राकेश गौतम एंड गुड इवनिंग ऑल कैसे हो तुम सब लोग हाँ मजा आ रहा है मज़ा आ रहा है नीट पेपर सॉल्व करके तो ये ये आज वाला जो हमारा पेपर है ना एक्चुअली ये हमारा लास्ट वाला होगा बिकॉज 2013 के बाद ही स्टार्ट हुए थे ये वाले पेपर नीट के तो इससे पहले वाले जो हैं वो कुछ कुछ तो बहुत वो है तो अभी मैंने सोचा है कि क्विज ले लेंगे ले लेंगे उसके बाद उसका है ना ऐसा कुछ कर लेते हैं लव फ्रॉम केरला लव फ्रॉम डेली हाँ एवरीबडी हाउ आर यू मैम आई एम गुड आई एम गुड गुड आप आप लोग कैसे हो बढ़िया हो मैम मेरी आईडी ब्लॉक क्यों की अरे यार मैंने तो नहीं किया आपकी आईडी ब्लॉक कैसे हो और क्या मैम एक ही क्वेश्चन पूछे जा रही हो बार बार क्या <laughs> और मेरे को समझ गया था पूछोगे आपसे और आपके स्कूल शुरू शुरू हो गए मेरे भाई के तो स्कूल स्टार्ट हुए लेकिन उसके वहाँ पे एक केस पॉजिटिव आ गया फिर उसको बुला लिया उन्होंने तो वो तो नहीं हो पाया आप अपने स्कूल्स का बताओ आप अप, आपके अप, स्कूल्स लग गए लग गए नहीं लगे hmm? नहीं हाँ ओके ओके हाँ ओके, ओके स्कूल लगे कि नहीं लगे स्कूल लगे आपके हम्म ओके स्कूल खुले हुए हैं मैम मुझे टारगेट अचीव करनी ही है लाओ भाई टारगेट लाओ सो <laughs> गाइस uh. so uh, अभी हम लोगों ने आज मैंने गिन लिया है सो आई विल नॉट काउंट इट अगेन एंड अगेन सो इट इज सेवन इयर्स का पेपर वी हैव ऑलरेडी सोल्व एंड आई थिंक इसके बाद तीन ईयर का पेपर रहेगा uh, जो दैट इज तो हमने सात साल का पेपर जो है वो सॉल्व करके देख लिया एंड मजे की बात ये है कि उसमें हमने इतना कुछ देखा कि एक जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना वही पूछते हैं उसको बार बार घुमा घुमा के लाइक like एग्जामिनर का जो क्वेश्चन बनाने का फ्रेम है दैट इज फिक्स्ड सो ही लाइक्स टू बी इन दैट जोन ओनली राइट सो गोइंग टू बी ट्रू देखो ये कोई नहीं बता सकता लेकिन हम उसे एक आइडिया एक निकाल सकते हैं डू यू अग्री विद मी जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से हैं ठीक है अग्री करते हो तो मेरे साथ में मैच द कॉलम बहुत ज्यादा रहता है एंड ऑल दैट यू नो सो so, सब कुछ हमने देखा कि किस बेसिस पे जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सो दैट मेक्स इट्स ऑल टूगेदर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की वाई प्रीवियस एड सॉल्विंग क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट है ना इंपॉर्टेंट ठीक है ना कौन कौन बताओ फटाफट से मुझे बताओ चैट सेक्शन में लिख के कि कौन कौन बच्चा है? हमारे साथ में सेवन सेवन ईयर पेपर ये सातवां है टुडे इज द से फटाफट लिख के बताओ मुझे कौन का किस किसने सारे पेपर सॉल्व कर लिए है? है ना मैम की तरफ तो से स्पेशल सैल्यूट उस बच्चे को फटाफट से बताओ सुगंधा अच्छा प्रणव कह रहा है मैम मैंने सुगंधा हुस्न ओके 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 बताओ बताओ किस किस ने किस किसने कर लिए हैं सारे सो दैट इज दैट मेक्स इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी अचीवेबल थिंग फॉर यू कि आप लोगों ने इतना जो है वो कर लिया अपुन मैम हाँ अपुन हमने कर लिया मैम उठा देंगे हम क्वेश्चन हाँ एक्जैक्टली exactly. सो so चलो आज आओ जरा देखें आज में कितना है दम्म नीट <laughs> ट्वेंटी कर लिए लो, सब लोगों ने कर लिए hmm? बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी नाइस तो गुड जॉब गाइस वेरी गुड सो लेट अस जस्ट स्टार्ट आज का फिर ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं बिकॉज हमारा बैक टू बैक्सेशन होते हैं आगे तो आज हम क्या करने वाले हैं आज हम करने वाले हैं नीट टू का पेपर सॉल्व काफी पुराना पेपर है बट आप इससे ये देखोगे कि इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आप खुद ही देख लोगे लेट नॉट को जरूरत नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वॉट आर यू डूइंग जस्ट सब्सक्राइब राइट नाउ एंड प्लीज डोंट फर्गेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल बेल आइकन आपने नहीं करना है छोड़ना है प्रेस करना ओके दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लो स गाइड्स क्रैश कोर्स क्रैश कोर्स जो लोग ट्वेल्थ में हैं और जो लोग ड्रॉपर हैं ऑफकोर्स दे आर गोइंग टू टेक द क्रैश कोर्स राइट तो क्रैश कोर्स इफ यू आर यू नो लुकिंग फॉर द क्रैश कोर्स देन वट यू हैव टू डू इज ऑफकोर्स यू नो जब भी आप किसी चीज को पढ़ने के लिए जाते हो तो यू यू आर होपिंग फॉर द बेस्ट टू गेट है ना ना टाइम वेस्ट करना आपको अच्छा लगता है ना हमें अच्छा लगता है सो वॉट यू आर लुकिंग फॉर यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट डिजाइंड क्रैश कोर्स इज एंट इट ठीक है

मेथर्स uh, जहां पे आप क्या कर सकते हो वन और टू डेज का लेके भी देख सकते हो दे, है वेदांतों की कुछ एक ऐसी सीरीज भी है जहां पे आप वन और टू डेज का लेके देख सकते हो कि हाउ यू आर गोइंग टू यू नो आर यू गोइंग टू अडेप्ट दिस अगर आप उस पर अडेप्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो आपको कैसा लग रहा है आप टीचर के साथ एडजस्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो राइट सो दैट यू ऑल्सो कैन डू ओके तो उसके लिए हमारे खैर स्पेशल वेबिनार सेशंस होते हैं सो दैट अनदर टीम ऑफ आवर हैंडल्स दैट बट एनी वेज

कि आपका रह गया और नीट में आप ऐसा कोई क्वेश्चन देख लोगे राइट सो दैट इज अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है ये राइट right? कि आपका पूरा का पूरा जो है दैट इज क्रैश कोर्स भी आपका कवर हो जाएगा प्लस जो लोग क्रैश कोर्स लेंगे उनको टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग ठीक है और जो टेस्ट सीरीज है आपकी दैट इज उसी के बारे में बात चल रही थी कि दैट इट इज अ वेरी ब्यूटिफुली डिजाइन कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो द टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन बीट एनी सब्जेक्ट चाहे बायोलॉजी है चाहे फिजिक्स है चाहे केमिस्ट्री है ठीक है सो वट एल्स डू यू वॉन्ट इफ यू आर रियली नीट एस्पिरेंट दैट वॉट आर यू लुकिंग फॉर आप इसी चीज के बारे में देख रहे हो है ना जब आपको लक्ष्य पता हो अपना तो आपको रास्ता भी दिख रहा हो सामने देन आई थिंक इफ आई हैड बीन एट योर प्लेस आई वुड हैव टेकन इट मैं ले लेती सच में ठीक है सो डिपेंड्स ऑन यू आप देखो अगर इफ़ यू वॉन्ट टू टेक और नॉट या या इट इज़ नॉट लैगिंग यार मेरे सामने उसका आउटपुट आ रहा है ठीक है तो चलो देखते हैं एंड यस इफ़ यू वॉन्ट टू टेक दिस क्रैश कोर्स सो आप क्या करना है आपने लिंक uh, दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो उसमें जा जाओ और uh, उसमें आपको क्लिक कर दो इस पर लिंक पे क्लिक करना है वैसे ही टेन थाउजेंड का है बट आपको एट थाउजेंड मिल जाएगा और ये आपका स्टार्ट हो रहा है फिफ्टीन फेफ जो कि ऑलरेडी जा चुकी है डेट बट आप जाओगे तो आपका सिलेबस फिर भी कवर करा दिया जाएगा डजेंट मैटर ठीक है और आपका एक इस सीरीज के बारे में बात कर रही थी मैं आपकी तो द बेनिफिट्स ऑफ दिस सीरीज इज वॉट आपके डाउट सॉल्विंग भी हैं आपके इंटरएक्टिव क्लासेज टू वे इंटर एक्टिव क्लासेज हैं वीकली टेस्ट हैं आपके ठीक है और डिस्कशन भी आपको मिलेगा आई थिंक वट वट ठीक है चलो ये आपका वैसे सेम है एम एस नीट आप कूपन कोड लगा सकते हो और नीचे आप दिया वैसे आपको 2000 में मिल जाएगी टेस्ट सीरीज तो टेस्ट सीरीज तो ले ही लो अगर आपको लग रहा है कि भाई uh, मेरे को बहुत ज़्यादा आ गया है so, हो भी सकता है आ गया हो आई एम नॉट सेंग दैट सो यू गो एंड यू जस्ट चेक इट आउट योर लेवल दैट इट इज़ टू थाउजेंड इज आई डोंट थिंक सो इट्स दैट बिग अ डील आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल कैन अफोर्ड दिस ठीक है सो दैट यू कैन टेक ये हमारे आज के सेशन का डिटेल है तो यह सेशन आपने देख लिए किस, किस ने देख ये सेशन? भाई बताओ जल्दी सो -जल्दी. So पहले हमारे अंशुप्रिया मैम का एक सेशन हुआ है ठीक है ना विच is काफी बच्चों ने देख लिया मैंने देखा उसको तो मैम ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं बोर्ड्स के रिगार्डिंग आई थिंक हाँ बोर्ड्स के रिगार्डिंग है तो ये नहीं देखा है तो देख लेना उसके बाद आपके जो नए सर आए हैं परम सत्य तो इन्होंने सेशन लिया लिया है सो so काफी बच्चों ने देख लिया, उसको देख उसको जाके लेना फिर आपकी फिर मैम ने सेशन लिया है उसके बाद में ठीक है ये है हम लोग यहाँ पे हैं इसके बाद हमारा नीट पेपर एंड ये कल होगा अभी उसके बाद हमारा ब्रिथिंग एंड रेस्पिरेशन का मेंटी है उसके बाद हमारा है केमिस्ट्री के अरविंद सर के सेशंस हैं इसके इमिडिएटली बाद तो वो भी आपने जरूर इसमें मेंटी क्विज है और एक वन शॉट वीडियो है राइट एंड इसके पीछे आपके यस yes, सॉरी oh इनका भूल गई मैं सचिन सर का एक सेशन हुआ है जिसने नहीं देखा है सचिन सर का uh, सेशन वो भी जाके जरूर देखना है और आज हमारे बायोलॉजी uh, के टू बिग लॉन्चेस आर गोइंग टू बी देयर कितने बजे हैं uh, ये कल का सेशन है कि आज का सेशन है ठीक है ये शायद आज का सेशन है ये तो ये शायद इवनिंग में होगा यहाँ पे शायद टाइम जो है थोड़ा गलत लिखा है आई थिंक ये इवनिंग में होगा सो so, ये भी आपने जरूर देख लेना है तो जो लोग आप बार बार बोल रहे हो ये बॉटनी वॉटनी वॉटनी तो फिर उसमें देख लो ठीक है uh, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा ठीक है ये सो so, इसका टाइम आपको पता चल जाएगा आपको थंबनेल वहाँ पे uh, अपडेट हो जाएगा ठीक है रेडी है सब लोग आप आई यू ऑलरेडी रेडी हैं सब लोग कौन कौन रेडी yeah, hmm. yeah, है लेट मी सी लेट स्टार्ट या आई विल स्टार्ट बट आई यू रेडी आर यू रेडी विद द कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग या रेडी है तो आज आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी करूंगी यहां से कि किस किस का जो जो लोग आंसर्स देंगे तो मैं देखूंगी कि कौन कौन से लोग जो हैं वो सही सही आंसर्स दे रहे हैं हाँ चलिए शुरू करें शुरू करें चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया लेट अस जस्ट स्टार्ट गाइस लेट अस जस्ट शुरू करते हैं हम लोग चलो ओके okay. सो so, भगवान का नाम लेके है ना भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चले जाए ठीक है तो एनी वेज दिस इज़ द फिनाले ऑफ़ द एनालिसिस नीट टू थाउजेंड नीट पेपर्स के एनालिसिस का फिनाले है ये सो लेट लेटस जस्ट स्टार्ट गाइज हेयर यू हैव अच्छा ये हमारा एनालिसिस है आप देख लो एक बार इसमें भी आप देख ही लोगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं वंस अगेन सब जगह टॉप कर रहा है ये फिर डाइवर्सिटी में से फोर क्वेश्चन आए हैं और रिप्रोडक्शन में से पांच क्वेश्चन आए हैं बायोमोलिक्यूल्स में से तीन आए हैं बायोटेक में से तीन आए हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से टू आए हैं ये थोड़ा सा ओवर द इयर्स ये थोड़ा शफल हुआ है अब ह्यूमन हेल्थ से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आने लग गए हैं राइट डाइवर्सिटी से थोड़े से कम हो गए हैं ओके चले स्टार्ट करें स्टार्ट करें ओके चलो क्वेश्चन नंबर वन द आई ऑफ द ऑक्टोपर्स एंड आई ऑफ द कैट शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ द स्ट्रक्चर तो ये कौन सा है

सो देखो द आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड आई ऑफ अ कैट आपको पता है आप एक इनवर्टिब्रेट है एक वर्टिब्रेट है शोज डिफरेंट पैटर्न जब भी वर्ड डिफरेंट पैटर्न एक आपका की वर्ड है वेन दिस वर्ड इज गिवन यू विल लुक फॉर एनॉलोजी एनोलॉगस ऑर्गन्स एनोलॉगस ऑर्गन्स विच लीड्स टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ठीक है तो लेट अस जस्ट सी कि कौन कौन से हैं एनालॉगी विद कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहां दिया है एंड विच इज डायरेक्टली गिवन इन यू कैन सी एनालॉगी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये आपको यहां दिया गया है राइट सो दैट्स ऑल द दर्पज तो जिन लोगों ने भी फोर आंसर लिखा है विच इज एब्सोल्यूटली करेक्ट ठीक है चलो बनते हुए अगले सेशन में होगा क्वेश्चन नंबर टू सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूम Select the correct statement with respect to locomotion in humans. Let us just see, guys. Come on, Dinesh three. Okay, okay, okay. Huh? Three. Megha, Bhaskar, Hamza. Three. Three is the right answer. Are you sure? Three is the right answer. Okay. ओके ओके, थ्री लेट अस जस्ट सॉल्व दिस करेक्ट स्टेटमेंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन्स और आप कह रहे हो थ्री तो चलो थ्री पे ही देखते हैं सीधा एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द ज्वाइंट कॉजेज देयर इन्फ्लामेशन विच इज ऑप एब्सोल्यूटली करेक्ट इट इज गाउटी आर्थराइटिस का ये कंडीशन है तो ये आपने बोला कि सही है तो सही है पर बाकी गलत क्यों है ये भी देख लेते हैं

क्वेश्चन नंबर थ्री अ फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज अप ऑफ एक फॉस्फोग्लिसराइड किससे बना होता है जरा ओके गुड 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 कहता है टू दिनेश फोर निकी थ्री फोर सारे लिख दो फिर तुम वन टू तो थ्री फोर खेलो गेम खेलो तुम वन टू तो थ्री फोर सब लिख दो तुम या ओके फोर आई श्योर फोर ओके एक काम करते हैं लेट इज जस्ट सी कि फॉस्फोग्लिसराइड क्या होता है ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी इसमें ग्लिसराइड वर्ड है कि ग्लिसराइड क्या होता है तो so बच्चा आप सब जानते हैं इट इज वॉट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड प्लस विच इज एस्टेरिफाइड विद एल्कोहॉल राइट

कंडीशन को कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है तो आप क्या बोल रहे हो कि मैम फोर एक्सप्लेन कर रहा है तो लेट अस जस्ट सी सैचुरेटेड और फैटी एसिड टू अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू अ फॉस्फेट ग्रुप इज इज विचे करेक्ट एंड यू गाइज आर ऑल्सो करेक्ट आंसर फोर इज राइट आंसर वेरी गुड गुड जॉब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन साइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय कौन सा चैप्टर था ये मॉलिक्यूल्स है ना पिछला चैप्टर दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन ये तो रिपीटेडलीस्ट क्वेश्चन है ना द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन साइड द बॉडी इज वॉट दैट इज टी लिंफोसाइट है ना बी लिंफोसाइट्स कौन सी इम्यूनिटी देते हैं जल्दी से बता दो मुझे बी लिम्फोसाइट्स कौन सी इम्यूनिटी बताते हैं जल्दी से हाँ ग्राफ रिजेक्शन में बी लिम्फोसाइट्स कौन सी इम्यूनिटी बताते हैं जल्दी से क्विकली टेल मी दिनेश लिखा मैम ह्यूमोरल एब्सोल्युटली करेक्ट ह्यूमोरल इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज चलो 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 गुलनाज बोला मैम थ्री थ्री ओके थ्री ओके श्योट थ्री इज अ राइट आंसर या फ्लाइंग फिश चलो आज अब देखते हैं आप कह रहे हो कि थ्री है तो क्यों है थ्री और क्या नहीं है आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन वंस अगेन तो देखो यार फाइलम आर्थ्रोपोडा तो देखो फ्लाइंग फिश जो है इट इज बेटा विच इज अ अस को बिलोंग करती है तो ये तो रूल आउट है कटल फिश जो है दैट इज दैट बिलोंग्स टू मोलस्का ठीक है Puffer fish भी Pisces को बिलोंग करती है तो ये भी रूल्ड आउट जबकि सिल्वर फिश जो है वो डेफिनेटली आर्थरो बिलोंग करती है इट इज अंसेक्ट विदाउट विंग्स इट इज एन इंसेक्ट विदउट विंग्स तो आई थिंक दैट मेक्स इट क्लियर से क्लियर हो गया आपको ये ठीक है सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जिन लोगों ने भी सिल्वर फिश लिखा है एबसोल्यूटली करेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स वट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ट ऑफ कॉकरोच नि चलो बताओ जल्दी से क्विकली टेल हम्म हम्म एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ड ओके फोर इज अ राइट आंसर आई यू श्योर फोर इज अ राइट आंसर ओके ठीक है अब विजिबल है हाँ करे विजिबल विजिबल है ठीक है तो आप कह रहे हैं फोर राइट आंसर बिल्कुल सही बात है देखो लास्ट मोल्टिंग जो है कॉकरोच कॉकरोच में एक्चुअली जो निम्फ है का दैट दैट इज थर्टीन इसको हम कहते हैं थर्टीन इंस्टार भी कहते हैं हर एक मोल्टिंग को हम क्या कहते हैं इंस्टार ठीक है लेकिन लास्ट जैसे निम्फ जो है उसका वो बिल्कुल रिजेंबल करता है एडल्ट से राइट बट उसके जो विंग्स आते हैं वो सिर्फ लास्ट मोल्टिंग में ही आते हैं तो लास्ट मोल्ट में तो ऑफकोर्स लेबियम भी पहले आ गया होगा मैंडिबल्स भी ये तो फिर सर का रूल्ड आउट तो बचा mm -hmm. क्या बोर्थ फोर विंग विद हाइंड विंग्स डेवलप राइट आई थिंक दैट मेक्स सेंस टू हियर या इन स्टार नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट स्ट्रेट ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक एक्शन जल्दी से बता दो फटाफट फड़ से या yeah. mm -hmm. ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर द ड्यूरिंग एन स्ट्रक्चरिंग रिएक्शन इज फोर फोर इज द राइट आंसर ओके वेरी गुड फोर इज एब्सोल्यूटली द राइट आंसर यस फोर बिल्कुल सही आंसर है बच्चे ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन इंजाइमेटिक रिएक्शन दैट इज ट्रांजियंट एंड अनस्टेबल है ना आपको पता है ना कि सबस्ट्रेट Uh, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी तक पहले पहुंचता है ठीक है फिर एक्टिवेशन एनर्जी जहां बिल्कुल उसकी मीट हो जाती है तो वहां पे सबस्ट्रेट प्लस आपका इन, जो प्रोडक्ट है वो ट्रांजिएंट एक स्टेट में यू uh, नो you know, uh, बनता है दैट इज वेरी अनस्टेबल वो स्टेबल कभी नहीं अगर स्टेबल होगी तो फिर प्रोडक्ट कैसे बनेगा बाद में राइट सो लाइक दैट सो गुड जॉब वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन

ओके ओके ग्रेट तो चलो हिते में तुम कह रहे हो तो देख लेते हैं कि कौन सा है तो इसमें एक करेक्ट आंसर आपको चूज करना है कॉर्पस ल्यूटियम टेस्टोस्ट्रॉन बिल्कुल नहीं सिक्रियट करता तो यहां पे गलत हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन बिल्कुल नहीं सिक्रिएट करता क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है पोस्टीरियर पिटरी ग्रोथ हार्मोन नहीं सिक्रिएट करता रात्रि ऐसे होते तो ये सही हो जाते हैं थायरॉयड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन सीक्रेट करता है लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट इन ग्वाइटर विच इज एबली करेक्ट। एंड आई थिंक दिस इज करेक्ट है ना समझ आ गया सबको ये तो ये करेक्ट हो गया चलो गुड जॉब गाइज वेरी गुड आगे चलते हैं सो आंसर नंबर फोर जो था आपका राइट आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपियर्स वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ चलो 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 गो ऑन हम्म अरे मेंटी शुरू होंगे इसके बाद मेंटी ही शुरू हो जाएगा देखो सुनो आपके आंसर में देख रही हूं यहाँ पे तो इतने में मेरी बात भी सुन लो कि अच्छा मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ ताकि आपको देखने को मिल जाए या yeah.

उसको अब मेटाबोलाइज करने के लिए कोई इंजाइम नहीं है दैट मीनस उसका कलर जो है वो चेंज नहीं होगा सो अकॉर्डिंग टू दैट इंसर्शनल इनएक्टिवेशन यू आर यू गाइज आर एब्सोल्यूटली करेक्ट जो जो लिख रहे हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीर एक मिनट इसमें तो गलती हो गई है इसमें है ना क्वेश्चन में इसका आंसर गलत है ना ये इनसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया इसका टू नहीं होगा hmm. इसका नहीं इसका टू नहीं होगा हाँ फोर होगा इसका आंसर यस आई एम सो सॉरी अबाउट दैट इसमें फोर hmm. होगा आंसर यस इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया यस या हम्म ठीक है हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है तू नहीं होगा दो नहीं होगा टू आंसर नहीं होगा इसका सॉरी इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना आंसर की में हाँ पे गलती होगी फोर इसका राइट आंसर होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू या एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू हाँ yeah. हम्म हाँ. mm -hmm, mm -hmm. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन या वेरी 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 इजी क्वेश्चन ओके एंड बिल्कुल सही बात है देखो इट इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट एक्चुअली एच जोन जो है इट इज अ वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट या अब क्या है देखो दैट इज इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट ये है आपके एक्टिन फिलामेंट और इसी के बीच में होता है आपका मायोसिन फिलाेंट हियर इज द मायोसिन फिलामेंट ठीक है यहां पर तो इसमें अगर हम देखें कि ए बैंड कौन सा होता है आपका वॉट इज द ए बैंड दैट इज ये देखो ये आपका डार्क बैंड है ठीक है दिस इज ए बैंड ये वाला आपका डार्क बैंड है राइट right? जिसमें से कि आपके मायोसिन फिलामेंट्स भी हैं और एक्टिन फिलामेंट्स भी हैं ठीक है लेकिन एच जोन कौन सा पार्ट है एच जोन एक ऐसा पार्ट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट ही प्रेजेंट है तो दिस इज योर एच जोन ठीक है दिस इज योर एच जोन आई थिंक दैट मेक्स सेंस टू एवरीबडी या सो अकॉर्डिंग टू दैट अकॉर्डिंग टू दैट वॉट इज द राइट आंसर That is answer number four. The central gap between actin filaments. Actin filaments के बीच में ये ना सर वो gap, right? That is through myosin filaments in the A band. Inside the A band it is present. ठीक है? Okay. Next question. Question number eleven. Artificial insemination means. All are easy peasy questions. हाँ. जितना पीछे पीछे देखते हो तो इतने सारे easy हो जाते हैं आपके questions हाँ. But अभी थोड़ा level बढ़ गया है NEET का. फोर इज द राइट आंसर या ओके ओके हां बीटेक इलेक्ट्रो साइड मैंने अल्फा वाला टिक करवा दिया एक मिनट दोबारा ले लेती मैं इस क्वेश्चन को एक मिनट ठीक है सही है सही है सही है सही है, हाँ बीटा है बीटा एम सो सॉरी मैंने अल्फा वाला टिक कर दिया होगा हम देख लेते हैं बीटा वाला होगा उसमें हो ठीक है ये दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन गाइज आर्टिफिशियल इंसैमिनेशन इज ट्रांसफरिंग द सीमन इन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इट कुड बी फ्रॉम द डोनर एज वेल हेल्दी डोनर और फ्रॉम द पार्टनर फ्रॉम द हजबैंड एज वेल ठीक है सो दैट मेक्स इट्स आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इन टू द वजाइना दैट मेक्स इट्स अ वेरी करेक्ट क्वेश्चन सो गुड जॉब गाइज वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइल कौन सा ग्रुप जो है हा हा बीटा ही है उसको देख लेंगे क्वेश्चन को लास्ट में देख लेंगे एक बार अभी सॉल्व करो फोर फोर इज द राइट आंसर फोर इज द राइट आंसर या सो लेट एस जस्ट सी फटाफट से देखते हैं इसको देखो स्पॉन्ज सी एनिमोन एंड स्टारफिश तो ये तीनों ही डिफरेंट आपको पता है पॉरीफराइनोडर्मेटा है ठीक है मलेरियल पैरासाइट ये भी है ना पैरासाइट प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा में बिलोंग कर रहा है ये मॉस्किटो आपका आर्थ्रोपोडा में तो कहीं का नहीं है अर्थवॉर्म आपका एनिलीडा में है पिन वॉर्म आपका एस्क है ही है, है। टे वॉर्म आपका प्लेटी है प्रॉन और स्कॉर्पियन और लोक, लोकस्टा जो है ये सारे ही आपके आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं सो दिस मेक्स योर कौन सा आंसर करेक्ट फोर आंसर इज करेक्ट वेट वेरी वेरी गुड बहुत ही बढ़िया यस फोर इज द राइट आंसर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन डेवलपिंग फीटस बाय एम अवंतिका अच्छा पिछले वाले हम्म दिनेश कह है मैम वन उत्पल राठिया वन रिया वन चलो मैंने पहले तीन चार के दो तो नाम तो ले दिए हाँ वेरी इजी क्वेश्चन देखो तीनों ही आपके क्या हैं देखो सेक्स ऑफ द यू डेफिनेटली कैन सी बिकॉज एमनियोटिक फ्लूड में बच्चे के जो होते हैं सेल्स होते हैं तो वहां से आप आराम से देख सकते हो ठीक है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो है जेनेटिक रिलेटेड डिसऑर्डर है आपका आपको पता ही हैल्सो आप सारी बॉटनी में पढ़ते ही हो ठीक so, exactly है ना डाउन सिंड्रोम ऑल्सो एंड क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम ऑल्सो सो दैट मेक्स इट आ ट्राइजोमी एग्जैक्टली है ना ट्राइजोमी ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम और एक है आपकी एक्स एक्स वाई कंडीशन तो दोनों ही जेनेटिक रिलेटेड है ये प्रॉब्लम्स तो ये सारे आप आपकी डिटेक्ट हो सकती हैं इवन डाउन सिंड्रोम की क्लाइन की भी हो सकती है लेकिन जॉन्डिस जो है दैट इज क्लियरली रिलेटेड टू द बिली रूबिनी का है ना accumulation पे एक बिली रुबिन और बिली वर्डिन पे कौन है आपका दैट इज जॉन्डिस ठीक है तो दैट मेक्स इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन दैट इज जॉन्डिस इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर लेट अस द नेक्स्ट क्वेश्चन Infection of Ascaris occurs by. Infection of Ascaris occurs by. Chalo, chalo, chalo. Bato. Infection of Ascaris occur by. is a very easy question, guys. Hmm. Good, 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 good. Keep going. Hmm. Two, two. Two the right answer. Yeah. Okay. So they go. Uh, से तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है हटाओ इसको ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग ऑफ एग्सैरिस ठीक है थर्ड पे देखते हैं ईटिंग इम परफेक्टली कुछ के लिए टीनिया सोलियम के लिए विच इज वेरी वैलिड टीनिया सोलियम के लिए आपको नो पता है दिस इज अ पोक टेप फॉर्म सेट सी फ्लाई ऑफकोर्स आपको पता है ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है स्लीपिंग सिकनेस है एंड एक्चुअली दिस इज अ वेक्टर स्लीपिंग सिकनेस और ये कौन होता है इसका uh, कौन मुझे बताएगा इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है स्लीपिंग सिकनेस का कॉजेटिव एजेंट कौन सा क्विकली जल्दी बता दो मुझे कौन बताएगा व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपेनोजोमा गैम्बियंस एग्जैक्टली कौन है ट्राइपेनोजोमा गैम्बियंस यस एग्जैक्टली सो दैट मेक्स इट तो ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है और ये भी नहीं तो कौन बना ड्रिंकिंग वाटर कंटेन एग्स ऑफ एस्कैरिस अगर हम उसमें वो पढ़ते हैं अपना दैट लाइफ साइकिल ऑफ एस्कार पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये पता चल जाता है ठीक है सो गुड जॉब गाइड द टू आंसर वेट इज वेरी मच करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर शोज स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूम ए टू डी बताइए इसमें कौन कौन सा फंक्शन कैसे कैसे है तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे जरा बताएंगे मुझे हम्म ओके ट्राई पेनोजो एफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन जब डायग्राम का आता है तो सबसे पहले डायग्राम को लेबल करना होता है ऐसा क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करते हैं डायग्राम को लेबल करके तो चलो तुम भी करो और मैं भी करती हूँ तो मैं देख यहां पे अगर मुझ, मैं देखूं तो बी जो है दैट इज आयोटा मेरे हिसाब से आयोटा है ये और ए जो है वो पल्मोनरी वेन है ठीक है ये मैंने लेबल कर लिया डी जो है वो है मेरा पल्मोनरी आर्टरी जो कि ब्लड लेके जा रही है लंग्स में और सी जो है वो है मेरा वेना कावा ठीक है अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं सबसे पहला काम आपने यही करना होता है ताकि आपको क्लैरिटी रहे इस चीज का राइट अब देखो इसमें देखो अब इसके इसी पे देख लो कि क्या है तो यहां पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो सी जो है वो बिना कावा इन्होंने बताया हुआ है बी पल्मोनरी आर्टरी बताई है विच इज रॉन्ग बी पल्मोनरी आर्टरी बिल्कुल नहीं है ए पल्मोनरी वेन बताई है विच इज करेक्ट बट टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट दैट इज रॉन्ग फर्स्ट पार्ट करेक्ट है लेकिन सेकेंड पार्ट नहीं करेक्ट है डी इन्होंने बताया है डॉर्सल आयोटा इज रॉन्ग तो बचा क्या आपका फोर्थ देखा आपने कितना आसान हो गया डिड यू सी दैट कितना आसान हो गया आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपको हो गया ना सो दैट्स हाउ यू सोल्व दीज क्वेश्चन आप पहले इसको लेबल करो ताकि गलती का कोई चांस ना बचे राइट right? चलो गुड जॉब गाइज वेरी गुड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन The tendency of population to remain in genetic equilibrium may be distributed by, disturbed by, sorry, not distributed, disturbed by. Good job, guys. Go on, go on, go on. Hmm. Mm -hmm. Okay. 1, 4, 2, Akash kara 4. Huh. Mm -hmm. Okay. Okay, okay. Let us just see. तो देखो बेटा ये सबसे पहले ये प्रॉब्लम है हार्डी वीनबर्ग से हार्डी वीन इक्विलिब्रियम से तो हमें देखना कि हार्डी वीनबर्ग को क्या क्या फुलफिल कर रहा है लैक ऑफ रैंडम मीटिंग बिल्कुल सही सॉरी रैंडम मीटिंग तो होना चाहिए लैक ऑफ माइग्रेशन बिल्कुल होना चाहिए लैक ऑफ म्यूटेशन भी होना चाहिए तो क्या नहीं होना चाहिए जो कि है लैक ऑफ रैंडम मीटिंग को एग्जामिनर ने खुद ही आपको हिंट दे दिया है

टू फोर टाइम्स ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है थ्री टू फोर टाइम इन लास्ट सेवन इयर्स सो दैट मेक्स इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आपको पता है ड्रिल व्हाट यू हैव टू डू यू सी द डायग्राम क्वेश्चन यू ट्राई टू लेबल इट फर्स्ट चलो 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 लेबल करो इसको लेबल करो चलो चलो चलो, चलो. हाँ ओके okay. ओके hmm. okay. टू इज राइट आंसर चलो मैं इसको लेबल कर लेती हूं C जो है, वो है आपके साइनेप्टिक वेसिकल साइनेप्टिक हैं. बी जो है आपकी ये आपकी ये है और ए हम ये कह सकते हैं इसमें कि इसमें जो हैं बी ए सो इसमें देखें कि कैसे है आपका तो सी से ही हम पता लगा सकते हैं एक्चुअली कि सी जो है न्यूरो ए रिसेप्टर बोला है बी साइनेप्टिक कनेक्शन बोला है और ए न्यूरो बोला है दैट मेक्स इट्स कौन सा बनाएगा भाई इसको ये टू इज द राइट आंसर ए हाँ A, इसने बोल दिया और सी साइनेप्टिक वेसिकल बोल दिया सो दिस मेक्स द टू इज अ करेक्ट आंसर या क्या बोल रहे थे एस सर क्या बोल रहे थे कि बायो मत पढ़ो ऐसा बोला उन्होंने क्या क्यों सचिन सर कहते बायो मत पढ़ो ऐसा बोला हाँ चलो नहीं नहीं बायो बायो इधर से तुम्हारा कल्याण होएगा बायो बायो में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपको या चलो गुड जॉब नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटिपिक एडेप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज इज कॉल्ड एज ओह कितना भारी भरकम क्वेश्चन है देख रहे हो आ, पूछो पूछो हाँ बायो पढ़नी है बायो क्यों नहीं पढ़नी है हैं बताओ मुझे हाँ डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब ओरिजिन डिफरेंट है तो यही से पता चल गया कि एंड सिमिलर फिनोटाइप मतलब कि उसको दिखते सेम है तो ये ये आपकी एनॉलॉगी है एनॉलॉगी एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है सो दैट मेक्स इट्स कन्वर्जेंट इवोल्यूशन द राइट आंसर ठीक है सो थ्री इज द राइट आंसर वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द फिगर शोज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताओ ये फिगर अब दोबारा फिगर पे क्वेश्चन देखो ये साल जो है वो फिगर्स वाला रहा है दिस ईयर हैज बीन बीन रिमेन ऑफ फिगर्स चलो 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 गुड जॉब है फटाफट फड़ से करो सॉल्व करो चलो अस जस्ट सी देखते हैं कौन सॉल्व करता है इसको पहले हम्म एस एस पी मतलब मेरी मिमिक्री कर रहे थे मैं भी उनकी मिमिक्री करूंगी आगे से तो ए जो है यहाँ पे कार्टिलेज रिंग्स लेट अस जस्ट सॉल्व इसको कार्टिलेज रिंग्स हैं ये ए जो है और सी जो है आपका एल्विलाई है बी आपकी प्लूरा है ना प्लूरल कैविटी मतलब प्लूरल जो में बाकी आपका डी जो है आपका डायफ्राम है सो so, जरा देखें इसका क्या अब इसका सही आंसर पूछा हुआ है तो देखें जरा सी जो है यहाँ पे एलव्यूलाई थिन वॉल्ड वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड आई थिंक विच इज वेरी मच फिटेड हियर बी प्लूरल मेम्ब्रेन बोल रहा है ठीक है सराउंडिंग रिब्स ऑन बोथ ऑफ द साइड्स जो कि करेक्ट नहीं है सेकंड पार्ट नहीं करेक्ट है ए ट्रैकिया बोल रहा है दैट इज करेक्ट एंड लॉन्ग टू सपोटर कंप्लीट कार्टिलेज तो कंप्लीट नहीं है दे आर इनकम्प्लीट काट लेट इज नॉट लोअर एंड सो आई थिंक इट मेक्स सेंसियर सो दैट मेक्स इट फोर्थ द राइट आंसर जिन्होंने फोर्थ आंसर लिखा है देर एब्सोल्यूटली करेक्ट कांबर ट्वेंटी अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन इज ड्यू टू डारे अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक एवल्यूशन इज ड्यू टू जल्दी 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 क्विक फोर ध्यान से आंसर तो मेगा थ्री जानवी ओके गुड 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 जॉब गाइज वेरी गुड थ्री थ्री इज द राइट आंसर फोर सो गाइज जो लोग भी फोर आंसर लिख रहे हैं दैट इज नॉट करेक्ट जिन्होंने भी थ्री आंसर लिखा है दैट इज एबसोल्यूटली करेक्ट इंटर स्पेसिफिक होगी सोचो दो स्पीशीज के बीच में होगी ठीक है ना इंटर स्पेसिफिक होने की वजह से फिर वो होगी आगे करेंगे लीगल मैथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल इज लीगल मैथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल क्या है बताओ वन ऑफ द लीगल मैथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल इज हट जाती हूँ पीछे ओके आकाश थ्री लावण्य टू हुसने अंसारी थैंक यू वेरी मच बच्चा हम्म टू टू इज द राइट आंसर थ्री सब लिख दो ऐसा करो वन टू थ्री फोर सारे लिख दो आ, कौन से ईयर में हुआ था 19, 1971 में हुआ था आई थिंक सो है ना 1971 में एक एक्ट पास हुआ था जिसका क्या नाम था एम टी पी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी उसके uh, अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी हो तो दैट इज लाइक यू नो द लेडी कैन गो एंड टेक द पिल एंड अबॉर्ट द चाइल्ड ठीक है मैं उसका नाम भी बता देती हूँ आपको पिल का पिल का नाम होता है माइफ प्रिस्टोन द नेम ऑफ द पिल इज माइफ प्रिस्टोन आर यू फोर एटी सिक्स उसका जो कॉम्बिनेशंस है एनीवेज सो दैट इज एब्सोल्युटली नॉट अंडर एनी लीगल उस पे कोई वो नहीं चाहिए होती है तो यस ऑफ कोर्स अबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन टू इज द राइट आंसर उसमें कोई लीगलइज नहीं अप टू द 7 वीक्स द लेडी कैन डू बाय सेल्फ ओनली राइट सो माय प्रिस्टोन और आरयू 46 इज द राइट आंसर फॉर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू देर टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन इनमें से कौन से करेक्टली मैच है देखो यहां पर यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं चलो गुड 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 वेरी गुड चलो इतने भी तुम आंसर दे रहे हो लेट मी ऑल्सो सॉल्व दिस तो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन स्पाइनी एंड टीटर जो है दैट इज आपको पता ही है इट इज अमल ओविपेरस मैमल

तो दैट मेक्स द फोर द करेक्ट आंसर वेरी गुड गाइज बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज विद इन पॉप्युलेशन अकर बाई चांस रादर देन अ सिलेक्शन दिस इज रेफर्ड टू एज गुड जॉब वेरी गुड तो देखो बच्चे जहां पे भी बाई चांस लिखा होता है बाई चांस मीन्स विदाउट एनी डाउट योर आंसर वुड बी जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा राइट या थ्री इज द राइट आंसर फ्लो यू नो दैट माइग्रेशन की वजह से होगा रैंडम मेटिंग यू ऑलरेडी नो हार्डी वीनबर्ग जेनेटिक लोड जो होता है दैट इज लाइक थ्री परसेंट ऑफ द थिंग विच इज मतलब की जो रेसेसिव में रहता है थ्री परसेंट ऑफ द डीएनए विच रिमेन द रिसेसिव फॉर्म होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म एंड ओनली एक्सप्रेस इन समिस दैट इज वाई साइंटिफिक रीजन भी है इसके पीछे देखो मैं बता रही हूँ साइंटिफिक रीजन है मैं नहीं बोल रही हूँ दैट मैरिजिज इन द सेम लाइन्स शुड बी अवॉइडेड सेम लाइन्स मीन्स अभी होता है ना कि जो क्लोज रिलेटिव ये तो हम लोग अभी भाई बहन ये बना दिए बट इफ यू थिंक ऑन अ बिगर बिगर परस्पेक्टिव कि ब्रदर सिस्टर और द क्लोजली रिलेटेड कजन्स में वाई द मैरिजिज आर नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली बिकॉज कुछ जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं दे कुड बी एक्सप्रेस्ड और जो डिसऑर्डर्स होने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है आई थिंक आप सब ये चीज़ जानते होंगे पहले से ही ठीक है तो दैट इज़ वाई इट इज़ लाइक दैट दैट इज़ वाई दूर uh, मतलब थोड़ा वो वेरिएशन्स होनी चाहिए तो वेरिएशन्स भी ज़्यादा आती हैं प्लस होमोजाइगॉसिटी नहीं बनती है ठीक है ओके सो दैट मेक्स इट्स एनी वेज तो जेनेटिक लोड के बारे में मैंने आपको बताया ट्वेंटी फोर क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज हैज बीन आस्ट लाइक एन नंबर ऑफ टाइम्स इन ई सी जी जल्दी से बता दो फटाफट से क्विकली क्विकली हाँ जेनेटिक फ्लो तो बेटा माइग्रेशन है ना एक जगह से दूसरी जगह पे जाना और जेनेटिक लोड मैंने आपको बता दिया वो हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट है रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, एंड तो आपको बता दू ये हम लोग ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पी इज एट्रियल सिस्टोल ठीक है क्यू आर एस जो है आपका दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल ठीक है ये भी सिस्टोल है और ये है आपका वेंट्रिकुलर uh, डायस्टोल इसको तुम कह सकते हो दिस टी जो है वेंट्रिकुलर डायस्टोल है ना जो रीपोलराइजेशन हम इसको कह सकते हैं नॉट सिस्टोल सिस्टोल तो एनी फेज यहां से चलेगा और यहाँ के एंड तक पहुंचेगा जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा वो यहाँ के एंड तक आएगा लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं कि ये रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स जबकि ये है पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स क्यू आर एस ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग आओ जरा देखें अभी क्या है तो ये है एंड ऑफ सिस्टोल जब हम एक बात हमेशा मेरी याद रखना जब भी कभी ऐसे देखोगे ना कभी भी क्वेश्चन पेपर में कि सिस्टोल आया है या डायस्टोल पूछा है जहां पे एट्रियल या वेंट्रिकल नहीं लिखा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में दिस इज फॉर वेंट्रिकल ओनली ठीक है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में देखो तुम एंड ऑफ सिस्टोल तो ये तो मतलब ऐसे पी वेव एंड ऑफ सिस्टोल तो बिल्कुल नहीं है ठीक है और राधर एट्रियल है ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया तो ये बिल्कुल इसमें फिट बैठ रहा है बाकी भी देख लेते हैं इनिशिएशन ऑफ द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है राधर क्यू पॉइंट पे स्टार्ट होगी क्यू पे स्टार्ट होगा बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल दैट इज ऑल्सो नॉट मैंने आपको क्या बोला है जब सिस्टोल अकेला लिखा होगा दैट विल बी रेफरिंग टू वॉट वेंट्रिकल्स ठीक है तो दिस मेक्स कौन सा कौन सा आपका बनता है टू टू इज द करेक्ट आंसर ठीक है डन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दिनेश ये है क्वेश्चन पूछ रहे हैं आई विजिबल ये क्या मतलब है uh. दिस इज दस्ट क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए ना चाँटा माना खुद को हिचकेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्थ्यूरिशन ये बिल्कुल नहीं करता है ये कौन करता है मुझे बताओ पार्च्य के दौरान द ऑक्सीटोसिन इज सिक्रीट बाई सीड बाई मेटरनल पिट्यूट्री और दीट फीटल पिट्यूट्री ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में

हाइपोथैलेमस तो वैसे इसको बनाता है स्टोर इसको पोस्टीरियर पिटुटरी करता है दो रिलीज हो ये लूप में चलता है टिल द टाइम द बर्थ यू नो बर्थ इज नॉट हैपेंड जानते हैं ना सब लोग ये राइट सो द वन इज द करेक्ट आंसर राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स गाइज यू नो द ड्रिल नाउ व्हेनेवर यू सी ऐसा क्वेश्चन तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको आपको क्या करना है आपको इसका लेबल करना है पहले चलो शाबाश जल्दी लेबल करो हम्म लेबल करो इस क्वेश्चन को पहले हम्म। इसमें एक गलती है सॉरी ये बी है सॉरी क्वेश्चन इसमें गलती थी बी है ये ये पार्ट इस बी या ना नाउ सी देखा हम्म। करा तो चलो मैं भी लेबल करती हूँ मैंने बोला कि ये जो बी है मैं देख लेती हूँ पहले यहाँ पे ए बी सी डी तीनों दिया हुआ है चलो ठीक बी जो है वो ब्लाइंड स्पॉट है ए hmm? जो है आपका रेटिना है ठीक है सी यहाँ पे क्लियरली नहीं विजिबल है तो मैं इसको कॉर्निया मान लेती हूँ बिकॉज यहाँ पे दिस इज नॉट क्लियरली विजिबल सो लेट लेटेज जस्ट सपोज कि इसको कॉर्निया मैंने मान लिया बिकॉज ये एलोंगेटेड सा पार्ट है आई रिस यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है डी जो है वो इसकी कौन सी डी कौन सी सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या होता है आई की टेलमी दैट इज योर स्क्लेरा ठीक है तो आप देखते हैं यहां पर डी जो है उन्होंने कोरोइड बोला हुआ है तो आई दैट मेक्स इट्स अ वेरी वो क्वेश्चन ठीक है तो आप क्या लिख रहे हैं इसका आंसर हाँ स्क्लेरा राइट या ए है रेटिना कंटेन द फोटो रिसेप्टर रॉड्स एंड कोंस जो कि हम लोगों को ठीक लग रहा है बाकी भी देख लेते हैं बी ब्लाइंड स्पॉट अरे ये भी ठीक है

मोर करेक्ट आंसर हेयर सो दैट इज टू जो है रेटिना बिल्कुल आपका सही आंसर इसको डिपिक्ट कर रहा है सो दैट इज जिन बच्चों ने भी दूसरा आंसर लिखा है सही दे आर एप्सोल्यूटली करेक्ट ओके सी गलत यस ऑफ ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एन एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स इन ह्यूमन ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार आते हुए देख लिया देखो बहुत बार आते हुए देख लिया एम एम गोइंग टू टेक फूड ओके चलो 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 फोर इज द राइट आंसर या थ्री फोर चलो टिल द टाइम यू आर गिविंग आंसर लेट मी ऑल्सो सॉल्व द क्वेश्चन क्या कहता है लिम्प फिल्ड बिटवीन द टू बोन्स एंड लिमिटेड मूवमेंट ये कौन सा होता है आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन द कार्पल्स अच्छा तो पहली बात तो यही यहाँ पे ये ये ही नाम ही गलत हो गया भाई साहब लिम्फ तो होता ही नहीं है क्या होता है बेटा जल्दी बताओ मुझे क्या होता है उसके बीच में कैविटी के बीच में क्या, क्या प्रेजेंट होता है चलो चलो कौन सा इंटेलिजेंट बच्चा लिख के बता देगा मुझे जल्दी से क्या क्या प्रेजेंट होता है उस कैविटी में कौन सा लिम्फ प्रेजेंट होता है टेल <laughs> मी टेल मी टेल मी वेटिंग फॉर योर आंसर दो हाँ जब आ जाएगा तो नेक्स्ट है आपका फ्लूड कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स एंड लिमिटेड साइनोवियल फ्लूड वेरी गुड आदित्य ने आंसर लिखा है पहले बहुत बढ़िया वेरी गुड या फ्लूड कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स लिमिटेड मूवमेंट्स ये भी गलत हो गया क्योंकि नी ज्वाइंट इट इज साइनोवियल तो गया फ्लूड फिल्ड बिटवीन टू जॉइंट प्रोवाइड क्वेश्चन स्कल बोन्स एंड विच इज रॉन्ग आंसर बिकॉज स्कल बोन्स में आपको पता है फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं फ्लूड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स

प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर अ बेबी हुस फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ मेंटल रिटार लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन एंड एबनॉर्मल स्किल जल्दी से बता दो क्विकली हाँ नॉट वेल फ्रॉम टू डेज यूविका क्यों क्या हो गया भाई ध्यान रखो यार पेपर आ रहे हैं पास में अभी टू इज द राइट आंसर टू इज द राइट आंसर ओके ओके, अच्छा तो एक्चुअली क्या है हाँ टू इज एप्सोल्यूटली द राइट आंसर एक्चुअली क्या है कि देखो ये बड़ी सिंपल सी बात है ये केस है आपका हाइपोसिक्रीशन ऑफ थाइरोक्सिन का क्रिटिनिज्म का केस है ये तो क्रिटिनिज्म के केस में क्या होता है आपको पता ही है यू नो मेंटल रिटार्डेशन लो इंटेलिजेंस बिकॉज इन अ वे थारॉक्सिन ऑल्सो प्लेज अ पार्ट इन बी एम आर को करने मेंटली उसको ग्रो करने में इवन मस्क्यूलर वो बनाने में भी हेल्प करता है उसका ठीक है इनफैक्ट इट प्लेज अ पार्ट इन द सेक्शल मेचोरिटी एज वेल ओके तो सो मेनी थिंग्स आर देयर तो यू नो दैट इसके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर बनेगा ओवर से कृष्ण पास डिस्टैलिस इस इसको तो हटाई दो ये पिटूटरी की बात हो रही है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट मेकिंग सेंस लो सिक्वेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ये नहीं है कैंसर ऑफ द थार ग्लैंड अगर कैंसर ऑफ द थार ग्लैंड होता भी तुम तो मुझे बताओ फिर कौन सा डिजीज होता है इस बच्चे को ये सेकेंड आंसर हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही है बट तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि अगर बच्चे कैंसर ऑफ था थायरॉइड ग्लैंड होता तो क्रिटिनिज्म ना होके कौन सा डिसऑर्डर होता है इस बच्चे को बताओ वट हा वेरी गुड

ओके एंड द आंसर हियर वुड बी यू नो इट वुड बी इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना सेपरेट uh, कैसे करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू करते हैं या लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन लेट एस जस्ट सॉल्व दैट मैच द नेम मैच द नेम ऑफ द एनिमल्स कॉलम वन विद कॉलम टू एंड कॉलम थ्री जल्दी से मैच करके बता दो क्विकली hmm. फिर मैं भी करती हूँ हम्म चलो 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 ओके okay. हाँ सो so, देखो बेचा यहां पे एडेमसिया है एडेमसिया में रेडियल मिटेरियल होती है चलो ठीक है बट ये पॉरिफरा नहीं है ये सिलेंड है तो गलत हो गया

उसके सरफेस पे एंड इट इज वॉट इट इज साइक्लोस्टोम राइट सो दिस इज द करेक्ट आंसर वॉज टू तो जिन बच्चों ने भी टू आंसर लिखा है वो करेक्ट आंसर टारगेट में से पक्की बात है वो खोल के तो नहीं बैठे थे बुक तो नहीं खोल के बैठे थे हाँ वेरी गुड बहुत बढ़िया सो वेरी 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 गुड एनिमल किंगडम हाँ एनिमल किंगडम आसान ही तो है ये सारे क्वेश्चन आसान थे देखो यही यही इनको ही बार बार घुमा घुमा के पूछते हैं इन्हीं को घुमा घुमा के पूछते हैं हमारे फेवर अप टू वन जीरो थ्री डिग्रीज ओह टेक गुड केयर हम्म आई हैव टू कुक फूड क्यों अकेले रहते हो दिनेश अकेले रहते हो तुम कुक फूड खाना बनाना पड़ रहा है हाँ सो गुड जॉब गाइज आपने uh, हमने सेवन ईयर्स कंप्लीट कर लिए सेवन ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं वैसे नहीं साथ में तो अभी हमारे दो ढाई महीने हो रहे हैं बट uh, वैसे सेवन ईयर्स का पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है एंड दो तीन बातें आपको बताऊंगी जो मैंने भी ऑब्जर्व करी आई ऑल्सो एम लर्निंग यू आर ऑल्सो लर्निंग द लर्निंग इज़ हैपनिंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ठीक है तो दो तीन चीज़ें जो मैंने देखी हैं कि क्वेश्चंस मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बोला था मैं दोबारा आपको यही बोलूंगी कि जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही टॉपिक से घुमा घुमा के पूछे जाते हैं सो यू बेटर पे अटेंशन टू फ्रॉम यू ठीक है यस एट ईयर सॉल्व कर लिए आठ ईयर सोल्व कर लिए हाँ आर्ट कर लिएट एट हाँ, कर लिए हमने eight. एट हमने सॉल्व कर लिए यस सो गुड जॉब गाइस टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया एंड एनालिसिस भी तुमने देख लिया जो बच्चे बीच में किए हैं ज्वाइन तो उसको फटाफट -फड़ से जाके आपकी प्लेलिस्ट साइडी क्रिएट हो गई होगी तो आप इसको जाके देख सकते हो लेकिन आपने सॉल्व करना जरूर है उसको ठीक है देख लेना चाहे फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना लेकिन बहुत समझ में आएगा आपको ठीक है गुड जॉब वेरी गुड बहुत बढ़िया अभी हम लोग मेंटी क्विज कर रहे हैं विद इन टेन मिनट्स दस मिनट में हम लोग मेंटी क्विज के लिए मिल रहे हैं एंड विद इन कोई लेट नहीं होगा ठीक है आठ एट एट और फाइव हम शुरू कर देंगे तो जल्दी से आ जाना है क्विक रिविजन करेंगे फटाफट -फड़ से दस मिनट का ही बिकॉज ब्रीदिंग रेस्पिरेशन चैप्टर बहुत छोटा है तो हो जाएगा और आपने सबने आ जाना है कितने बजे आठ बजे ओके सो गुड जॉब वेरी गुड एंड अगेन ट्वेल्थ एंड ड्रॉपर्स टेक द कोर्स राइट नाउ आई हैडी एक्सप्लेन दट वाई यू शूड टेक दिस कोर्स एंड यू नो वट इज अंपॉर्टेंस अगर क्रैश कोर्स ले रहे हो तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा साथ में फ्री मिलेगा ठीक है और आपका सारा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा टू वे इंटरक्टिव प्लेटफॉर्म आप टीचर से डायरेक्टली बात करके उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी आपकी क्वेरी है आपको मॉक टेस्ट सीरीज है जो सॉल्व करवाई जाएंगी ट्रिक्स एंड टिप्स भी दिए जाएंगे ठीक है और टीचर से आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हो तो मैंने आपको पहले ही बताया इट्स अ वेरी 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 ब्यूटिफुली डिजाइन कोर्स वेरी एक्सपीरियंस टीचर्स ठीक है इसके साथ एक टेस्ट सीरीज भी है जो टेस्ट सीरीज है वो भी बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन की गई है और उसको भी बहुत ही अच्छे इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भी नीट का जो कॉन्सेप्ट है उससे बाहर ना ना निकले ठीक है तो यू कैन टेक द टेस्ट सीरीज आल्सो एंड क्रैश कोर्स ट्वेल्व या ड्रॉपर बैच में हो तो जस्ट गो फॉर इट है ना तो 8000 रुपईस में आपको मिलेगा 10000 में वैसे बट इफ यू अप्लाई द कूपन कोड एमएस नीट आपको मिल जाएगा ये 8000 में तो ये हमारा टेस्ट सीरीज है देख लो इसमें डाउट सॉल्विंग भी है आपको आपको पेपर डिस्कशन भी होगा और आपको एनालिसिस भी मिलेगा कि आपने गलतियां कहाँ पे की हैं सेम ड्रिल ड्रिलस का भी जाना है लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक करना है और आपको ये टू थाउजेंड में मिल जाएगा ठीक है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड लेट अस मीट आफ्टर टेन टेन मिनट्स में मिलते हैं हम लोग ठीक है चलो ओके डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो गाइज थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच बाय